हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। आज मैं आपके लिए सोशियोलॉजी 2009 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और 2009 से लेकर 2020 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट वीडियो लेकर मैं आऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा का बना खाना खाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। ऐसी जो संयुक्त परिवार की परिभाषा है किसने दी है? यही फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो पहले से तो नीचे कमेंट में कमेंट करते चलिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो फर्स्ट का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इरावती कर्वे। इरावती कार्वे, जो ये इरावती कार्वे ने भारत में संयुक्त परिवार की परिभाषा देते हुए कहा है कि संयुक्त परिवार लोगों का ऐसा समूह है जो एक छत के नीचे रहता है, एक रसोई का बना हुआ खाना खाते हैं और एक तिजोरी में संपत्ति रखते हैं, पारिवारिक पूजा में जो होता है पूजा होता है सामूहिक रूप से भाग लेते हैं तथा एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के नातेदारी संबंध से जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट का सही आंसर आपका हो जाएगा इरावती कार्वे, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपका आईपी देसाई। तो आईपी देसाई जो थी, आईपी देसाई ने नाभिकीय परिवार मतलब एक डिफिनेशन दिया है कि सबसे छोटा परिवार जिसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उस परिवार को हम लोग कहते हैं कैसा परिवार, तो नाभिकीय परिवार। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए सभी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, जनजातियों के पिछड़ापन के निम्न में कौन एक कारक है? तो जनजाति जो होते हैं वो जैसे आप लोग आदि आदि मानव कहते हैं ना, उसी तरह से जनजाति होते हैं। तो जनजातियों के पिछड़ापन के निम्न में कौन एक कारक है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए है अशिक्षा, बी है धर्म, सी है जंगल और डी है नशाखोरी। तो जनरली जो होता है अशिक्षा जो होती है वो जनजातियों के पिछड़ेपन का एक कारक होता है, लेकिन उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन जो होता है उनकी बाकी सुविधाओं से वंचित करता है। हालांकि एक धार्मिक जो है यहाँ पे धर्म जो ऑप्शन है, धार्मिक जो होती है धार्मिक अलगाव भी जनजातियों की समस्या का एक बहुत बड़ा पहलू है और इन जनजातियों के अपने अलग देवी देवता होते हैं, छुआछूत का व्यवहार भी इनसे हम लोग रखते हैं, ज्यादातर लोग रखते हैं। तो जनजातियों के पिछड़ापन के निम्न में कौन एक कारक है? तो अशिक्षा भी एक कारक है और धर्म। धर्म तो मतलब एक जनरल तौर तरीके पर आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अशिक्षा। हमें समझ से लगता है कि शिक्षा बहुत ज्यादा सटीक आंसर होने वाला है। ऐसे धर्म भी होता है क्योंकि धर्म धार्मिक अलगाव से भी जनजातियों का पिछड़ापन है, लेकिन अशिक्षा इज द राइट आंसर। शिक्षा का अभाव भी है, शिक्षा के अभाव के कारण भी जनजातियों में पिछड़ापन हो रही है। ये मैंने समझाने के लिए आपको धर्म के बारे में बताया। नेक्स्ट है, राज्य का क्या कार्य है? राज्य का क्या कार्य है? तो राज्य का कार्य क्या है भाई? तो राज्य के कार्य जो होते हैं अपने जनता की सेवा करना, जान माल की रक्षा करना, कल्याण करना, न्याय करना, तो ये सब राज्य का कार्य है, यानी इनमें से सभी द राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फोर, मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? यानी मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, तो फर्स्ट फोर का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, शाहबानो। शाहबानो बेगम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा है? तो शाहबानो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फाइव, निम्न में कौन किसान नेता माने जाते हैं? किसान नेता कौन माने जाते हैं? तो फाइव का सही आंसर आपको आ जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वे भारत के किसान आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं। कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सिक्स, इस वीडियो में आपको टोटल 32 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 32 क्वेश्चन आपके 2009 के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन सिक्स है हमारा, निम्न में कौन पश्चिमीकरण का कारक है? मैं ऑप्शंस को नहीं बोलता हूँ, आप लोग डायरेक्ट आंसर याद करने की कोशिश कीजिए, पता रहे तो कमेंट में कमेंट करते चलिए। निम्न में कौन पश्चिमीकरण का कारक है? पश्चिमीकरण यानी कि आप लोग जानते हैं वेस्टर्नाइजेशन। तो जो सभ्यता थी
पश्चिमीकरण का अर्थ जैसे पश्चिमी देशों अर्थात यूरोप हो गया आपका, अमेरिका हो गया, ये संस्कृति को स्वीकार करना। आज हमारा पूरा जो देश है वो वेस्टर्नाइज कल्चर को क्या कर रहा है, तो ट्रेडिशनल को फॉलो कर रहा है, जबकि इंडिया का ट्रेडिशन उससे काफी ज्यादा अच्छा है। तो निम्न में कौन पश्चिमीकरण का कारक है भाई? तो रेडियो जो हुआ यही पश्चिमीकरण का देन है, टेलीविजन, समाज, समाचार पत्र, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा आपका पश्चिमीकरण का कारक है। और पश्चिमीकरण जो टर्म्स है फ्रेंड्स, पश्चिमीकरण का अर्थ होता है पश्चिमी देशों अर्थात यूरोप हो गया आपका, अमेरिका हो गया, ऐसे मतलब उन लोगों की संस्कृति को अपनाना, तो याद रखिएगा ये सब। सेवन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, पूछा भी गया है बहुत बार। C2 का संबंध किस राजनीतिक दल से है? C2, CITO, CITU, CITU, सॉरी CITU का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो देखिए C2 का मतलब होता है CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, सेंटर ऑफ यूनियन ट्रेड्स इंडिया, सेंटर ऑफ, देखिए सेंटर ऑफ यूनियन, सेंटर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो C2 का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो सेवन का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी से। C2 ने जो कार्ल मार्क्स की वेज लेबर एंड कैपिटल और वैल्यू प्राइस एंड टैक्स, जो आपकी प्रॉफिट थी, प्रॉफिट के विशेष संस्करण भी जारी किए, जो कि मार्क्सवादी राजनीति अर्थव्यवस्था पर दो महत्वपूर्ण परिचयात्मक लेख है, यानी मार्क्सवादी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा? हमारे बिहार में तो सफल नहीं रहा था, यानी बिहार तो होगा नहीं, इसका सही आंसर 8 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में भू सुधार कार्यक्रम सफल रहा था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की? चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की? चिपको आंदोलन पेड़ से मतलब पेड़ों के बचाव के लिए चलाया गया था, आपको पता ही है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा इसके अगुवाई थे, सुंदरलाल बहुगुणा इज द सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इसी तरह से, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके, आप कुछ अच्छा कर सकें। तो 10 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेस इज द राइट आंसर, मीडिया प्रेस जो जो भी आप कहें, तो प्रेस इज द सही आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? सॉरी 10 नंबर था, 11 है, भारत में किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है? हिंदू अल्पसंख्यक है, जो हिंदू धर्म है भारत में किस प्रांत में, यानी कह सकते हैं आप किस राज्य में अल्पसंख्यक है, क्योंकि अब ये राज्य तो रहा नहीं, अभी आपका बन चुका है क्या, तो यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू और कश्मीर। तो 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि भारत में जो और भी जो राज्य हैं, जैसे आपका हो गया मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्य में भी हिंदू जो है अल्पसंख्यक मात्रा में है, बट जो यहाँ पर ऑप्शंस है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस वी हैव टू चूज द आंसर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 12, निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से है? जनजातीय आंदोलन, ऑप्शन आपका ये है राम जयपाल सिंह, तो राम जयपाल सिंह भी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, ये भी जनजातीय आंदोलन से बिलोंग रखते हैं। बिरसा मुंडा, तो ये छोटा नागपुर पठार से आपके बिलोंग करते हैं, झारखंड से ही है, तो इनका भी ऑप्शन बी भी होने वाला है। सी है शिबू सोरेन, तो शिबू सोरेन के बारे में भाई पता ही है, तो शिबू सोरेन भी मतलब जनजातीय से ही आंदोलन से बिलोंग करते थे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13, इनमें से कौन महिला आंदोलन से जुड़े हैं? महिला आंदोलन से कौन जुड़े हैं? तो देखिए सरोजनी नायडू ऑप्शन से आपका, मोहिनीगिरी है, रंजना कुमारी है, इनमें से सभी है। तो सरोजनी नायडू भी महिला आंदोलन में शामिल थी, मोहिनीगिरी भी शामिल है, और रंजना कुमारी, ऐसे जो थी महिला आंदोलन जो हुई थी मुख्य महिला आंदोलन, तो महिलाओं की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आंदोलन सावित्री बाई फुले और फतिमा शेख ने चलाया था, और ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोला था जिसमें सावित्री बाई फुले और फतिमा शेख बालिकाओं को फ्री में शिक्षा देती थी, मतलब कोई शुल्क नहीं है, जितनी भी लड़कियां आएंगी फ्री में पढ़कर जाएंगी। तो यहाँ क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन महिला आंदोलन से जुड़े हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर, रंजना कुमारी भी जुड़ी हुई है, और मोहिनीगिरी और सरोजनी नायडू। 14 है हमारा, निम्न में कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? जनजातीय धर्म का स्वरूप, तो देखिये टोटमावाद जो है ओझागिरी, टोटमावाद जो है आपका टोटमावाद,
जो है जनजातीय धर्म का स्वरूप है, वो लोग टोटमा करना जानते हैं। टोटमा मतलब समझते हैं किसी तरह से, मतलब विश्वास करना, मतलब कि किसी अनकही बातों पे मतलब विश्वास करना, टोटमा करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? तो भैया याद रखिएगा, रासायनिक खाद और बीज के लिए जो हुआ था हरित क्रांति आपकी चलाई गई थी, जो केमिकल बायो जो होते थे बायोडिग्रेडेबल, यही सब के लिए हरित क्रांति का मुख्य कारक है। 16 है हमारा, परीक्षा विवाह मैरिज बाई ट्रायल किस जनजाति में होती है? मतलब कि परीक्षा होगा लेकिन आपको विवाह होगा, तभी विवाह तभी होगा जब आपकी परीक्षा होगी। तो परीक्षा विवाह मैरिज बाई ट्रायल किस जनजाति में होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है 2009 में। तो 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नागा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, नागा आपका 16 का सही आंसर आपका भील हो जाएगा। नागा में नहीं होता, भील में होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। परीक्षा विवाह जो होता है वो किस जनजाति में होती है, तो भील में होती है। चलिए मैंने सही कर दिया, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर भील हो जाएगा। तो इस विवाह में जो होता है पुरुष को साहस का प्रदर्शन करना होता है, भील जाति में ऐसी मतलब इस तरह की विवाह होती है। 17 है हमारा, धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्म निरपेक्षता सभी को पता है, धर्म निरपेक्ष, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। 17 का सही आंसर पता ही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी धर्मों का समान मान करना, सभी धर्मों को समान मानना। 18 है, भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? भूमंडलीकरण का संबंध यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 18 नंबर का। 19 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आर्य समाज के संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती कौन होंगे? चलिए सहजानंद सरस्वती या दयानंद सरस्वती। 19 का सही आंसर ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन के नेतृत्व किसने प्रदान किया? मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया? याद रखिएगा, मेधा पाटकर जो थे वो आपके मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 21 है हमारा, निम्न में कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? ग्रामीण समाज की विशेषता कौन है? तो 21 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि व्यवसाय। ज्यादातर जो लोग होते हैं ग्रामीण लोग वो कृषि पे इंडिपेंड करते हैं। आज जो है भारत का अधिकांश जो वर्ग है वो गांव में निवास करता है, और गांव में निवास करने वाले जितने भी जो लोग हैं वो जनरली डिपेंडेंट हैं किस पे, तो फार्मिंग पे, फार्मिंग पे डिपेंड है, फार्मिंग करते हैं, कृषि करते हैं और उसी से अपना पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? यानी संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो 22 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, एमएन श्रीनिवास, एमएन श्रीनिवास। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो आंसर्स हैं आपके क्वेश्चन बैंक में गलत दिए हुए हैं, तो आप लोग उसे फॉलो ना करें, फिर भी आप लोग अपने बुक से फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक में इसकी जो है पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी गई है, सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे, उसमें ये सभी क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बुक से ही। 23 है, भारत की वर्तमान आबादी कितना है? तो भारत की वर्तमान आबादी जो है, अभी की मैं बात करूं 2018 के अनुसार, तो 125 करोड़ तो सुनते ही आप लोग हैं, लेकिन 1.353 बिलियन जो 2018 में था, यानी 1 अरब से ऊपर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 अरब से ऊपर। 24 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? जो लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे, लिए होंगे साथ साथ सोशियोलॉजी लिए होंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपके हिस्ट्री में भी इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, मैंने बहुत बार कराया भी है। तो सही आंसर आपका 1885 हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 25, भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत की गई है? भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत की गई है? जितने भी अनुसूचित जाति हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा, ऑप्शन ए धारा 335 के तहत जो होती है भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 26 है हमारा, पंचायतों को बल प्रदान करने वाला विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? पंचायतों को बल प्रदान करने वाला विधेयक जो था संविधान, ऐसा पंचायत को बल प्रदान किया जाए ऐसा संविधान का संशोधन किस संशोधन में लाया गया? तो जो संविधान संशोधन आपका हुआ था
73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में आपका इसे मतलब विधेयक इसे लागू किया गया था, बल प्रदान किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 27 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। तो हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों वो आपके 3 स्तरीय है। फर्स्ट जो आपका होता है ग्राम पंचायत, सेकेंड आपकी होती है पंचायत समिति, और थर्ड होता है जिला परिषद, याद रखेंगे। ये सब टर्म्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, तो 3 स्तर की भैया। पहला जो है आपका ग्राम पंचायत, सेकेंड है आपका पंचायत समिति, और थर्ड है आपका जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हाँ, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने है, कर्पूरी ठाकुर, मुंगेरी लाल, सीपी मंडल, काका कालेकर। तो काका कालेकर आपका सही आंसर हो जाएगा। काका कालेकर को पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया प्रथम आयोग अध्यक्ष थे, बनाए गए थे। 29 नंबर है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो 29 का भी सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, द राइट आंसर इनमें से सभी। देखिए, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है, संयुक्त परिवार हमारे यहाँ, तो ये एकदम कंफर्म है। संयुक्त परिवार का वर्ड ही दिया गया भारत के लिए। आपको मैंने शुरू में बताया था कि संयुक्त परिवार की परिभाषा जो थी इलावती कड़वे द्वारा दिया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन सेक्शन के साथ बताया। और जाति व्यवस्था तो हमारे यहाँ भारत में है ही है, धर्म तो और है, धर्म निरपेक्ष राज भी कहा जाता है, धर्म है ये, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के धर्म है, यानी इनमें से सभी आपका सही आंसर है। 30 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 30वां नंबर, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। और फ्रेंड्स मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि अगर आपने 10 साल 11 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया तो अब तो आपके एग्जामिनेशन में इस साल 2021 में 2021 में आपके जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको केवल 50 का जवाब देना है। यानी आपको मतलब 50 100 क्वेश्चन में से आप ऐसा सोच लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 तो आसानी से रहने वाले हैं। तो अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ाई की है और अगर आप जमकर अभी मेहनत कर देते हैं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आपके जो है 80+ का 85+ मार्क्स आ सकते हैं, अच्छे खासे मार्क्स आपके आएंगे। तो सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर आपके हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज, जो आपके रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर थे और चार्ल्स हंट पेज थे, इन्होंने ही सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी। 31 है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हो। निम्नलिखित में कौन एक जाति है, तो राजपूत हो गया, ये एक जाति है, वैसी ये सब आपके जो है वो आपके एक तरह से जाति नहीं है, यानी इसका सही आंसर आपका राजपूत हो जाएगा। ये सब एक तरह से कैसे कहा जाता है, शूद्र है, यानी कि एक तरह से वर्ग है। 32 है हमारा, निम्न में कौन एक संस्था है, संस्था कौन है, गांव एक संस्था है, राष्ट्र एक संस्था है, विवाह एक संस्था है, या किसान संघ संस्था है। तो सिंपल सा टर्म से किसान संघ ही एक संस्था होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 32 क्वेश्चंस किए हैं। आप लोगों ने देखा भी कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आपके 32 क्वेश्चंस आपके 2009 में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। देखिए, केवल हम लोगों ने 18 मिनट में पूरे पूरे मतलब एक साल के क्वेश्चंस को कर लिया, वो भी पूरी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा वीडियो पर, अच्छे खासे लाइक्स आएंगे, मैं आपके लिए और भी वीडियोस प्रोवाइड कराता चलूंगा। चलिए, ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू।